तो दोस्तों, क्या आपके भी पास रियलमी या फिर वन प्लस या फिर कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है और उसमें दोस्तों स्मार्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये स्मार्ट चार्जिंग क्या है दोस्तों, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों, और ये आपको कितना हेल्पफुल होने वाला है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको स्मार्ट चार्जिंग से रिलेटेड मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए दोस्तों। और अगर आप भी दोस्तों रियलमी या फिर वन प्लस यूज़र हो तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। चलिए आपको बता देता हूँ दोस्तों कि किस तरह से आप स्मार्ट चार्जिंग का यूज़ कर सकते हो और स्मार्ट चार्जिंग का मतलब क्या होता है। अभी के टाइम पे दोस्तों, अगर आप दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन में बैटरी वाले ऑप्शन पर जाते हो सेटिंग्स को ओपन कर, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्मार्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, मैक्सिमम कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है और चार्जिंग लिमिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तीनों ही चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप मैक्सिमम कैपेसिटी समझ लीजिए, फिर इसके बाद स्मार्ट चार्जिंग भी समझाएंगे। मैक्सिमम कैपेसिटी में दोस्तों होता यह है कि ये आपकी बैटरी की कैपेसिटी बताता है, यानी कि जब आपने फ़ोन न्यू लिया होगा दोस्तों, तब ये जो कैपेसिटी है वो 100% की होगी। इसके बाद दोस्तों आपने जितना भी इसको यूज़ किया होगा, जितना ज़्यादा हम फ़ोन को यूज़ करते हैं उतनी हमारी बैटरी कैपेसिटी कम होती हुई चली जाती है, ठीक है ना। वहीं हम बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्ट चार्जिंग और चार्जिंग लिमिट की, तो दोस्तों लगभग ये दोनों ऑप्शन सेम होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप स्मार्ट चार्जिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हो तो इससे होगा ये दोस्तों कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करोगे तो 80% से ज़्यादा बैटरी चार्ज नहीं होगी। इससे ये फ़ायदा है दोस्तों कि जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को फुल चार्ज करते हो दोस्तों, तो आपका फ़ोन में यहाँ पर बैटरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देगा, साथ ही साथ आपकी जो बैटरी है दोस्तों वो बहुत ही धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी। और इसी तरह अगर आपने चार्जिंग लिमिट वाले ऑप्शन को ऑन किया तब भी दोस्तों 80% से ज़्यादा आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। तो आई होप आप समझ पाओगे कि स्मार्ट चार्जिंग और चार्जिंग लिमिट क्या होता है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ फिर ऐसी अगली वीडियो में।